नमस्ते सत श्री अकाल और आप सभी को अनामिका का सलाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो क्लास है वो है ब्लीच के ऊपर। और अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर ब्यूटिशियन कोर्स सिखा रही हूँ बिल्कुल फ्री में। और अगर आप भी ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, आप भी अपना पार्लर खोलना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए क्योंकि मैं लेकर के आती हूँ बहुत अच्छी अच्छी और बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लासेस। और अभी हमारी जो चैप्टर चल रहा है वो है स्किन का चैप्टर। इसमें कुछ क्लासेस ऑलरेडी हमारी आ चुकी हैं, टाइप्स ऑफ स्किन आ चुका है, ऑयली स्किन पे कैसे आपको फेशियल देना चाहिए, क्या क्या ध्यान में रख के आपको फेशियल करना चाहिए उनका, और ड्राई स्किन ब्राइट पे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्लीच। ठीक है, फेशियल स्ट्रोक से बताने से पहले, फेशियल तक आने से पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं अपने पार्लर में भी इसी तरीके से पार्लर का कोर्स सिखाती हूँ सामने से, और मैं आप लोगों को भी सेम वही प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ। दोस्तों लाइक करिएगा मेरे वीडियोस को, जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं सही काम कर रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ कुछ। और नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा। देखिए ब्लीच क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं। कई लोगों को ये लगता है दोस्तों कि ब्लीच से हम गोरे हो जाते हैं। दोस्तों ब्लीच का काम आपको गोरा बनाने का नहीं होता है। ब्लीच जो होता है, जो हमारे रुए होते हैं हमारे फेस पर, फेशियल जो हेयर्स होते हैं उनको ये भूरा बना देता है। मतलब आपकी स्किन, जो भी आपकी स्किन कलर होता है उस हिसाब का बना देता है। इसमें आपको ब्लीच, कई प्रकार की ब्लीचेस मिल जाएंगी मार्केट में आपको, लेकिन आपको पार्लर में सारी ब्लीचेस नहीं रखनी है। जो आज मैं आप लोगों को ब्लीच बताऊंगी, सिर्फ आप वही ब्लीच रखिएगा। और आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि किस किस के ऊपर आपको ब्लीच नहीं करना है। जी हाँ, जैसे कि जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, जिनकी आपकी रेडिश, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्किन टाइप होते हैं, उनको बिल्कुल भी आपको ब्लीच करने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी वो चाहते हैं कि वो ब्लीच कैसे करना है, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, वो जरूर देखिएगा। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसके सेंसिटिव स्किन पे ब्लीच करने का अलग तरीका होता है। हर स्किन टाइप को आपको ऐसे नहीं करना है कि बस जितना हमने एक्टिवेटर बोला है, जितना हमने क्रीम बोली है, उतना मिक्स किया और लगा दिया, तो बड़ा ध्यान रखना। उसके अलावा पिंपल्स की स्किन पे बिल्कुल भी ब्लीच नहीं करना है, नहीं तो और ज्यादा उनके फेस पर पिंपल्स आ जाएंगे। और अगर करना भी है तो अगेन बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए, जहां जहां पिंपल है वहां वहां छोड़ के, आप जहां जहां उनके पिंपल्स नहीं है वहां वहां ब्लीच कर सकते हैं अगर क्लाइंट चाहता है तो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ज्यादा ओपन पोर्स की स्किन है तो भी उनको आपको ब्लीच रिकमेंड। आप ब्लीच करने का सही तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको जो भी आप फेशियल करने वाले हैं अपने क्लाइंट के ऊपर, आप पहले अच्छे से उनके फेस को क्लीन कर लीजिए। क्लींजिंग के बाद आपको ब्लीच यूज करना होता है। आप कभी भी क्लाइंट के क्लींजिंग के पहले ब्लीच नहीं लगाएंगे। कई मैंने मैं कराती रहती हूँ, एक्चुअली मैं दूसरे पार्लर जाती रहती हूँ, और कई बार मैंने देखा है कि पार्लर में लोग ये गलती करते हैं कि वो सीधे से आपका फेस भी क्लीन नहीं करेंगे और सीधे से ब्लीच लगा देते हैं। डेट इज वेरी रॉन्ग मेथड। अगर आप ऐसे कर दोगे तो जितना भी डस्ट था और जितना भी उनकी स्किन में डस्ट चिपक गया था, वो आपने उनके और ज्यादा अंदर पहुंचा दी। क्योंकि ब्लीच से क्या होता है, हमारे जो पोर्स होते हैं स्किन में, जो पोर्स होते हैं एक्टिवेटर और क्रीम के कारण, वो ओपन हो जाते हैं, और वो ऐसा करने से आप पूरा उनका पूरा स्किन डैमेज हो जाएगी। तो पहले हमको क्लींजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम ब्लीच लगाते हैं। और एक चीज का बड़ा ध्यान रखना कि अगर आप अपने क्लाइंट का ब्लीच करने वाले हैं तो उनकी अगर कहीं स्किन, कई बार ऐसा होता है कि खाना बनाते समय या कुछ बनाते समय हमारे क्लाइंट की स्किन कहीं से कहीं जल गई है, उसी टाइम जली है, तो भाई कभी ऐसी गलती मत करना कि आप उनके ऊपर उसी टाइम ब्लीच लगा दो। बड़ा देख के बड़ा ध्यान से करना होता है, नहीं तो वो जल जाएगा। क्योंकि वो ब्लीच वैसे भी उसमें एक्टिवेटर के कारण कहीं ना कहीं हमें ऐसा, मतलब आपने देखा होगा ना, इचिंग टाइप की होती है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। एक्टिवेटर और कैसे हम ब्लीच, कितना क्रीम मिलाते हैं, कितना एक्टिवेटर मिलाते हैं, वो तो सब मैं बताऊंगी ही। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगी कि हर मंथ आप अपने क्लाइंट का, कोई आता है जैसे आपके क्लाइंट, तो आप उनको हर मंथ रिकमेंड मत करिए ब्लीच करना। क्योंकि ब्लीच जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता हमारी स्किन के लिए। कहीं ना कहीं ऑफकोर्स वो हार्मफुल ही करता है, लेकिन अगर आप किसी शादी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, आपका क्लाइंट किसी शादी पार्टी फंक्शन में जा रहा है, तो ऑफकोर्स आप उन्हें ब्लीच कर सकते हैं। लेकिन आप हमेशा रिकमेंड मत करो हर 2 मंथ्स, हर 3 मंथ्स। मैं मेरा खुद का पार्लर है कहने को, और ऐसा नहीं है, मेरे भी थोड़े थोड़े से रोए हैं, मतलब थोड़े थोड़े बाल हैं मेरे फेस पे हल्के हल्के, वो तो सभी के होते हैं। तो मैं या तो जो होम रेमेडीज होती हैं वो फॉलो करती हूँ अपने अनचाहे बालों को निकालने के लिए, या फिर मैं हर मंथ ब्लीच नहीं करती हूँ ऑनेस्टली।
तो मैं आप लोगों को भी यही बताऊंगी कि आप भी अपने क्लाइंट को हर मंथ ब्लीच मत करो, और अगर आप जब भी ब्लीच करते हो, जैसे कई बार मैंने देखा है कि मेरे पार्लर में ओनली ब्लीच कराने ही आते थे, कई बार ऐसा होता था कि आप सिर्फ ब्लीच कर दो तो हमें जाने, तो मैं तो हालांकि उन्हें रिकमेंड करती थी कि ऐसा मत करो, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। लेकिन कुछ क्लाइंट जो होते हैं ना, वो रिजिड होते हैं, नहीं हमें तो कराना ही, हम तो कराते हैं, आप नहीं करोगे तो हम कहीं और करा लेंगे। तो मैं क्या करती थी, ठीक है आपकी बात भी हमने मान ली, आप हमारे से मत जाओ, तो मैं उनका क्लिंजिंग करती थी, फिर ब्लीच लगाती थी, और ब्लीच लगाने के बाद मैं क्या करती थी, आइस क्यूब जो होता है ना उससे उनकी थोड़ी सी मसाज कर देती थी फेस पर। उससे क्या होता था, जितने भी जैसे ओपन पोर्स हुए उनके, जो रोम छिद्र उनके खुले, उस आइस क्यूब से क्या हुआ, उनके रोम छिद्र और ओपन पोर्स वहीं वहीं के वहीं क्लोज हो गए, तो उनकी जो है ना स्किन डैमेज नहीं होगी। तो इन बातों का आपको भी खासतौर पर पार्लर पे कौन कौन सी ब्लीचेस रखे। अब होता क्या है कि आपको बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, जो मैं ब्लीचेस बता रही हूँ बस वही रख लेना आप। एक तो सबसे पहली आपके पास होनी चाहिए ये वाली ऑक्सी लाइफ की ब्लीच। मेरे पास यहाँ पर, मेरे पार्लर एक्चुअली रिनोवेट हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर बहुत ही कम चीजें हैं घर पर, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे पिक्चर्स के द्वारा शो कर रही हूँ। तो आप ऑक्सी लाइफ का ये वाला रखिए, ये हर स्किन टाइप पे जाता है। अगर आपके क्लाइंट की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और उनको ब्लीच कराना ही है, तो आप बिना आंखें बंद करके आप ये वाला ऑक्सी लाइफ का ब्लीच यूज कर सकते हैं। इसमें प्री एंड पोस्ट दोनों आता है, यानी कि इसमें क्या करना पड़ता है, आपको क्रीम जो प्री वाला देते हैं उसमें क्लिंजिंग के बाद आप पहले तो ऑफकोर्स क्लिंजिंग करेंगे, उसके बाद आप प्री लगा लीजिए, हल्का सा आएगा, प्री लगा लो और पूरे फेस पर जैसे हम मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप यू नो ब्लीच क्रीम मिलाओ, ब्लीच और एक्टिवेटर मिलाओ, उसको अच्छे से मिक्स करो। अच्छा एक चीज याद रखना, ब्लीच को ना अच्छे से मिक्स करना होता है, ये चीज आप खासतौर पर ध्यान रखा करो। तो अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद हम आप लगाया, उसके बाद पोस्ट भी आता है, मतलब ब्लीच को अब जैसे आपने हटाया उसके बाद आप ये वाला जो पोस्ट क्रीम होती है वो लगा देंगे ऑक्सी की। तो अगर कोई बाय चांस उनको सेंसिटिव स्किन कारण के कारण कुछ पिंपल या कुछ यू नो रैशेस होने रहते हैं, तो वो भी वहीं के वहीं दब जाता है। तो अगर ऑक्सी लाइफ ये ब्लीच एक ऐसी ब्लीच है जो हर स्किन टाइप पे जाती है, मेरी स्किन ऑयली है प्लस सेंसिटिव है, मुझे ये ही वाली ब्लीच सूट करती है, अदरवाइज मुझे कोई भी ब्लीच सूट ही नहीं करती है। उसके अलावा दोस्तों आप फेम की ये वाली टर्मरिक वाली ब्लीच रख सकते हैं, ये फेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको खास तौर पे याद रखना है कि एक्टिवेटर हल्का कम मिलाना है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा केमिकल होता है और अगर किसी की सेंसिटिव स्किन हुई तो रेशेस हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि फेम की अगर आप ब्लीच यूज कर रहे हैं तो आपको एक्टिवेटर बहुत ही कम मिलाना है, और आप इसको पूरी फुल बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं फेम की, क्योंकि ऑक्सी लाइफ की तो आप सिर्फ फेस के लिए रखिए, लेकिन आप फेम की या टर्मरिक वाली पूरी बॉडी पर यूज करवा कर सकते हैं क्लाइंट की, जैसे कि यू नो ब्राइड वगैरह कराते हैं ना पूरी बॉडी पे, तो ये सही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप नेचर्स की गोल्ड वाली ले सकते हैं, एरोमा की ले सकते हैं, ये मैंगो वाली, ये भी बहुत अच्छी है। मैंगो ये मैंने काफी बार यूज की है, मैंने पेडिक्योर में भी अपने क्लाइंट के किए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छा इसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी अपने क्लाइंट का डायमंड फेशियल कर रहे हो तो डायमंड ब्लीच दोगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। आपको VLCC में मिल जाती है डायमंड ब्लीच, और भी कंपनी में मिल जाती है, लेकिन मैं आपको अच्छी ही कंपनीज बताऊंगी यहाँ पे, कोई आपको लोकल कंपनी ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट ब्लीच में, क्योंकि ब्लीच इवन फेस का कोई भी काम करो तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप ऐसी कंपनी लें जो आपने नाम भी नहीं सुना हो। और इसके अलावा आप, हाँ तो मैं बोल रही थी कि आप अगर गोल्ड फेशियल करा रहे हो तो गोल्ड कर रहे हो अपने क्लाइंट का, तो गोल्ड ब्लीच दो, तो इस तरीके से ना रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आई रियली होप आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आ रहे होंगे, ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। भाई हमारा स्किन का चैप्टर बहुत लंबा चलेगा और इसमें मैं आप लोगों को बहुत सारी होम रेमेडीज भी बताऊंगी, और नोट डाउन करते जाओ भाई लोगों जो भी मैं बोल रही हूँ, और बहुत हेल्पफुल वीडियोज हैं। लाइक 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 जरूर करिए, नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।